पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो है विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो है उसको डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कौन से पैसे वो भागने की कोशिश कर सकते? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय टीम थी जो है कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। तो मैंने आपको भी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था। पुलिस लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष भी सरकार के ऊपर उठा रही है कि तमाम तरह के जो रास्ते जो खुल सकते थे विकास से पूछताछ में, उनको बचाने के लिए पुलिस ने इस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट तैयार की थी। कई ऐसे नाम थे जो विकास के साथ में जुड़े हुए थे, कई पुलिस वालों के नाम भी विकास के साथ में जुड़े हुए थे, उनके ऊपर गाज गिर सकती थी। इन्हीं सबको देखते हुए इस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट तैयार की गई है। और इस मुठभेड़ पर कानपुर के आईजी का क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो है विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो है उसको डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कौन से पैसे वो भागने की कोशिश कर सकते? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। तो मैंने आपको भी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। ये मुठभेड़ में अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुआ, एनकाउंटर कहाँ हुआ, पूरे डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे एनकाउंटर कहाँ हुआ, कैसे नहीं है, कितने लोग घायल, कितने लोग एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आपको। पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शूट करने में क्या दिक्कत है? कितने पुलिसकर्मी घायल है? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी।